पूरे भारत में नारा गूंजा, गर्व से कहो हिंदू है। कहा गया कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अशोक सिंघल के नेतृत्व में एक आवाज उठी कि मंदिर वहीं बनाएंगे। कोर्ट केसेस चल रहे थे 85 साल से, उनकी पैरोकारी शुरू हुई। धीरे 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 स्थिति बदलनी शुरू हुई। पूरे भारत के अंदर जनमत तय हुआ कि हाँ मंदिर वहीं बनेगा। कल्याण सिंह की सरकार आई, मंदिर बनने की शुरुआत हुई, मंदिर बनने की शुरुआत हुई। कोर्ट के अंदर मामला चलता रहा, हाई कोर्ट ने फैसला भी दिया, उसके ऊपर अपील कर दी सरकार ने, केंद्र सरकार ने। 2014 आया, केंद्र में सरकार आई जो निष्पक्ष सरकार थी, जो सांप्रदायिक नहीं थी, सेकुलर सरकार आई, जो हिंदुओं का भी हक दिलाना चाहती थी और मुसलमानों की भावना का भी आदर करती थी, ऐसी सरकार आई। पर 2017 तक, जब तक योगी की सरकार नहीं आई, कि 10,000 पेजों का हम ट्रांसलेशन भी करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात नहीं कह पाए, किसी ने पैरोकारी भी करी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एफिडेविट दिया गया कि राम एक कल्पना है, सच्चाई से परे है, वो तो एक स्टोरी है। इतनी अपमानजनक स्थिति आजाद भारत के अंदर, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र के अंदर ऐसा भावना का खिलवाड़ हुआ। वक्त बीता, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और आज 22 जनवरी को 500 सालों के बाद भगवान एक बार फिर से लहराया, फिर से राम मंदिर का के अंदर दर्शन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक विद्वान हो, खिलाड़ी हो, उद्योगपति हो, फिल्म जगत की हस्तियां हो, बड़े बड़े हमारे संत हो, सबके सब साधारण कतार में बैठे नजर आए। और भारत का प्रधानमंत्री टीका लगा करके, सरयू में स्नान करके मंदिर के अंदर गया और प्राण प्रतिष्ठा के अंदर भाग लिया। ऐसा लग रहा था चारों तरफ से देवताओं फूल बरसा रहे हो और एक बार फिर से राम का आगमन हुआ। क्या ये दृश्य बिना आपके वोट के हो सकता था? फिर से एक बार काशी का पुनरुद्धार हुआ, काशी की सड़कों को चमकाया गया कि लोग मंदिर में जा सकें और मंदिर की भव्यता जो किसी जमाने में महारानी अहिल्याबाई के जमाने में रही होगी, उसको उसको फिर से स्थापित कर सके। और अब तो सर्वेक्षण के अंदर खुद महादेव निकल करके प्रकट हो गए हैं कई सौ सालों के बाद। अरे अभी भी सच्चाई से मुंह पुकार सकते हो क्या? अब तो मंचों से कहा जा रहा है, खुलेआम कहा जा रहा है कि राम आ गए हैं, काशी भी सज रही है और अभी तो मथुरा को भी सजाना है। क्या पहले ऐसा हो सकता था? ये सब आप ही के वोट के कारण तो हुआ है। हिंदू स्वाभिमान लौट रहा है पूरी दुनिया के अंदर, अरब कंट्री के अंदर बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं। खुद वहां के जो मुसलमान नेता है, वो वहां के जो राजा है, वो अपने सिर पर गीता और रामायण को रख करके, कलश को रख करके यजमान बन रहे हैं। क्या ये कल्पना आपको रोमांचित नहीं करती है?